हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज दिनांक 29 जून 2024 है और आज आपका बीपीएससी प्राइमरी हेड टीचर का एग्जाम आपका दोस्तों समाप्त हो चुका है। तो दोस्तों, आज के हेड टीचर के एग्जाम में जो आपका क्वेश्चंस जीके एंड जीएस से जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था, उस क्वेश्चन का हम दोस्तों यहाँ पे सटीक एनालिसिस करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप आज अपना एग्जाम को देकर आए हुए हैं तो आप लोग आंसर को पूरा मैच कीजिएगा कि आप कि दोस्तों आपका स्कोर कितना हुआ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम बिना कुछ देरी के हुए अपने वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दीजिएगा और साथ ही साथ दोस्तों एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम बिना कुछ देरी किए हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ से आपका जीके जीएस से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो दोस्तों आपका क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, पार्ट टू यानी कि यहाँ पे जनरल स्टडीज। ठीक है, तो जनरल स्टडीज से आपका जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका दोस्तों हम क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आपका मैथ से पूछा गया था। क्वेश्चन था दोस्तों, राम को एक कार को 12 घंटे में मरम्मत कर देता है। राम और श्याम जब एक साथ करता है तो उसको 8 घंटे मरम्मत करता है। यदि श्याम अकेले उस काम को करता है तो वह कितने दिनों में मरम्मत कर देगा। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 24 आवर्स। ठीक है, 24 घंटे में दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 32। क्वेश्चन नंबर 32 में दोस्तों उसी टाइप से दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों 32 का सही उत्तर आपका दोस्तों निकल के आएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 32 हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा यानी कि 100 लीटर। ठीक है, 100 लीटर इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 33। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 33 में यह पूछा गया था कि नीचे दिए गए एक यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया गया था, उसमें आपका भुजा जो है वो MO पर लंब है, तो NP की यहाँ पे दोस्तों आपका लंबाई बताना है, यानी कि इस NP की दोस्तों आपको यहाँ पे लंबाई बताना है। तो इस NP की लंबाई दोस्तों हो जाएगा आपका 4.8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, 4.8 सेंटीमीटर यहाँ पे इसका लंबाई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है, एक पेंटर जो है कार को कितने तरीकों से मरम्मत रंग सकता है। यदि उसके पास 10 रंग है और उसका प्रत्येक कार को अलग अलग रंगों से करना है तो वो कितना करेगा। ठीक है, तो 34 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका 10 to C4। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा 10 to C4 इसका सही दोस्तों आंसर आपका हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले अगर अभी तक हमारे आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर अभी तक अपने दोस्तों को भी शेयर नहीं किए हैं तो अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दिया। क्वेश्चन आया था दोस्तों 35 में, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 35 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 37 नंबर की बात करें कि एक्स अक्ष पर बिंदु 2, 3 और -1, 5 से बराबर दूरी पर स्थित है। दोस्तों, इसका क्वेश्चन नंबर 37 का सही उत्तर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 36 में पूछा गया था कि एक व्यक्ति 7500 प्रति माह की तनख्वाह नियुक्त करता है और प्रत्येक वर्ष के बाद तनख्वाह एक नियत राशि पर 325 बढ़ा दी जाती है, तो उसकी तनख्वाह 8 वर्ष के बाद दोस्तों क्या होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 36, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 9775 रुपए। अगला क्वेश्चन, एक संख्या टोपी की आधार त्रिज्या से 20 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई जो है आपका 10 सेंटीमीटर है। टोपी का आपका दोस्तों बक्स पीछे क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, एकदम दोस्तों इजी क्वेश्चन है आपका, सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे आपका शंकु का बक्स पीछे क्षेत्रफल दोस्तों आपका निकाल देना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका 100 √5π इसका दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रक्त पट्टिकाणु मदद करते हैं या किसमें। तो ये दोस्तों आपका रक्त जो पट्टिकाणु जो होते हैं वो आपके मदद करते हैं, आपके रक्त को स्कंदन में मदद करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 40 में पूछा गया कि एरोमेटिक यौगिक का मुख्य स्रोत क्या होता है। तो दोस्तों, एरोमेटिक यौगिक का मुख्य स्रोत आपका पेट्रोलियम होता है। क्या होता है दोस्तों आपका? पेट्रोलियम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों, यदि किसी पेड़ की उम्र गणना की जा सकती है किससे। पेड़ की उम्र की दोस्तों गणना किया जा सकता है किससे, जमीन से 1 मीटर ऊपर तने के घेरे की माप से दोस्तों इसकी गणना किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये क्वेश्चन आपके हर एक एग्जाम में इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, गुणसूत्र पर जीन डैश की अवस्था पर होती है, यानी कि जो आपका गुणसूत्र पर जीन होती है वो आपकी रैखिक अवस्था पर होती है। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। ठीक है,
43 में दिया है कि अनुलिपिकरण समापन त्रिक होता है। ये दोस्तों आपका त्रिक होता है किसके, यू ए ए का दोस्तों, ये आपका त्रिक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, केचुए में कितने पार्श्व हृदय होते हैं, यानी आपको बता रहे हैं दोस्तों केचुए में कितने पार्श्व हृदय होते हैं। इसमें दोस्तों 8 होते हैं। कितने होते हैं आपका, 8 पार्श्व हृदय आपका होते हैं। अगला है दोस्तों क्वेश्चन कि ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में परिवर्तित करने पर वाला एंजाइम कौन सा है, यानी ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में परिवर्तित करने वाला एंजाइम दोस्तों यहाँ पे कौन सा है। ठीक है दोस्तों, आपका हो जाएगा जाइमेज। ठीक है, जाइमेज हो जाएगा, तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपका कि डायोड का प्रयोग टेस्ट में लाया जाता है। दोस्तों डायोड का जो आपका प्रयोग होता है वो आपका दृष्टकारी के रूप में लाया जाता है, तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 47 करंट से क्वेश्चन पूछा गया था कि G20 का अगला शिखर सम्मेलन दोस्तों किस देश में किया जाएगा। ठीक है, तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा आपका ब्राजील, ब्राजील में दोस्तों इसका किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 48, स्टैचू ऑफ यूनिटी किससे संबंधित है, तो ये दोस्तों आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित है। स्टैचू ऑफ यूनिटी आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 29, ठीक है, सॉरी 49, भारत छोड़ो आंदोलन के समय बिहार का कौन सा दल सक्रिय था, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो आपका बिहार में कौन सा दल आपका सक्रिय था, तो उस समय दोस्तों सियाराम दल जो था आपका वही सक्रिय था, सियाराम दल जो था आपका वही सक्रिय था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 50 कि बिहार का गांधी के रूप में कौन जाना जाता है, यानी कि बिहार का गांधी के रूप में दोस्तों कौन जाना जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार में दोस्तों गांधी के रूप में आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता है। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका सही उत्तर हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 51, ठीक है, इसमें पूछा गया था कि जॉर्जिया मेलोनी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के रूप में किस देश के अंतर्राष्ट्रीय संगठन का प्रतिनिधित्व करते हुए G20 शिखर सम्मेलन के रूप में दोस्तों भाग लिया था, तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, यहाँ पे जो दिया गया उसमें से कोई नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 52, ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 52, क्वेश्चन नंबर 52 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि बिहार हो जाएगा। ठीक, 53 देख लेते हैं। 53 दोस्तों क्वेश्चन में दिया पूछा गया है कि हाल ही में कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य बना, दोस्तों हाल ही में कौन सा देश आपका नाटो का 31वां सदस्य बना, तो ये दोस्तों आपका फिनलैंड हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों आपका फिनलैंड हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 54, इसमें दोस्तों पूछा गया कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचनांक 2023 के अनुसार भारत को कौन सी रैंक दी गई है, तो दोस्तों भारत को यहाँ पे आपका 161वीं रैंक दी गई है, 161वीं रैंक आपको भारत को दोस्तों दिया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सूर्य से पृथ्वी पर कितनी दूरी है, यानी कि सूर्य से पृथ्वी पर कितनी दूरी है, तो 93 मिलियन मील, यहाँ से उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 56, ठीक है, इसमें क्या पूछा गया है कि चंद्रयान 3 चंद्रमा के किस भाग पर उतरा था, ये दोस्तों सब लोगों को दोस्तों पता होगा कि आपका दक्षिणी ध्रुव पर उतरा था। कहाँ पे दोस्तों, दक्षिणी ध्रुव, यानी सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 57, इसमें पूछा गया रिएक्टर स्केल किस मापक का पैमाना है, जो रिएक्टर स्केल होता है वो आपका भूकंप का दोस्तों पैमाना होता है। ठीक है, भूकंप का पैमाना होता है। अगला है दोस्तों, कुल जनसंख्या एवं कुल क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहा जाता है, इसको दोस्तों जनसंख्या घनत्व कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों देख लेते हैं, 59 में किस टाइप का प्रश्न दोस्तों आपका पूछा गया था कि कोयला नगरी किस स्थान को कहते हैं, तो दोस्तों कोयला का नगरी जो होता है वह आपका धनबाद को कहा जाता है, किसको, धनबाद को दोस्तों कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 60, क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा गया है कि दोस्तों शांत घाटी किस राज्य में स्थित है, तो दोस्तों शांत घाटी जो है वो आपका केरल में स्थित है। कहां पर दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा केरल। ठीक है, केरल में आपका स्थित है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 61 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें दोस्तों पूछा गया है कि जुब्बा सहनी बिहार के किस जिले से संबंध रखते थे, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में अपना व्यक्तित्व प्राप्त करते थे, तो दोस्तों जुब्बा सहनी जो थे वो आपका मुजफ्फरपुर से थे। कहां से दोस्तों, आपका मुजफ्फरपुर से थे।
सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसका आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 62, ठीक है। 62 में निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत आपका नहीं है, यानी आपको बता रहे ऊर्जा का इसमें से कौन सा पारंपरिक स्रोत दोस्तों नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा दोस्तों आपका ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत यहाँ पे आपका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसने रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में सहायता किया था, तो किसने दोस्तों किया था आपका अफगान ने किया था। रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर में अधिकार करने के लिए अफगान ने दोस्तों आपका सहायता किया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 64, 1863 में इंडियन सिविल सर्विस पास करने वाले प्रथम भारतीय इनमें से कौन थे, तो दोस्तों इनमें से प्रथम भारतीय थे आपका सत्येंद्र ठाकुर, ठीक है, आपका सत्येंद्र ठाकुर थे, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों किस समाज सुधारक को लोक हितवादी के नाम से पुकारा जाता है, दोस्तों किसको पुकारा जाता है, तो जीएच देशमुख को दोस्तों आपका पुकारा जाता है। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों किस वर्ष मोहम्मदन एलेंगो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना अलीगढ़ में दोस्तों आपका किया गया था, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हिंदू मेला किससे संगठित किया, जो आपका हिंदू मेला वह किसने संगठित किया था, दोस्तों नव गोपाल मित्र ने आपको संगठित किया था। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 68 कि पटना कॉलेज का स्थापित दोस्तों कब हुआ था, पटना कॉलेज का दोस्तों स्थापित कब हुआ था, ये दोस्तों आपका 1863 ईस्वी में आपका किया गया था स्थापना, ठीक है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 69, इसमें दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना कहां पर हुई थी, दोस्तों गदर पार्टी की जो आपका स्थापना हुआ था वो आपका संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में हुआ था, कहां पे, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर दोस्तों 70, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, ठीक है दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष दोस्तों आपका एनी बेसेंट थी, ठीक है, एनी बेसेंट। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो दोस्तों ये तक कुछ आज के बीपीएससी पीआरटी के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार भी के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।